हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश सहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय जो है हम पहले ही इसका वीडियो बना चुके हैं, आज बताने वाले मैथ में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये भी क्या चीज है, एग्जाम के नजरिया से बहुत ही हम वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। आपको जो है ये नहीं लिखा हो रहता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, आपको लिखा हो रहेगा कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो हमको सिद्ध करना है कि पहले भुजा का समूह कौन, पहली भुजा का समूह कौन समकोण होता है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। देखिए हम लोग के सिद्ध करके बताना है। देखिए एक त्रिभुज है जो एबीसी में है, हम इसी त्रिभुज में लिए हैं और इसी के जैसा एक और त्रिभुज बनाए हम लोग। क्या बनाया है, एक और त्रिभुज जिसका नाम है डी ई एफ। तो देखिए सिद्ध करने के पहले हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में जो इसका भुजा में संबंध होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ पर लिखा दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक भुजा ऐसी मान लेते हैं, यानी पहली भुजा ऐसी है, इस भुजा के स्क्वायर यानी कि एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, बीसी स्क्वायर। यानी कि दिया हुआ है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कौन बी समकोण है, यानी कह रहा है पहली भुजा के जो है समूह कौन समकोण होता है। ये पहली भुजा मान लेते हैं, इसके सामने वाला कौन इला सम क्या हो जाएगा, समूह कौन होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि बी बराबर है क्या समकोण है, समकोण का मतलब वो 90 डिग्री के है कि नहीं। तो हमको सिद्ध करना है कि बी बराबर जो है उसका मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ये सिद्ध करना, यदि भुजा का जो स्क्वायर दिया हुआ है तो सिद्ध का कोण भी बराबर 90 डिग्री। तो हमको सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है एक त्रिभुज का रचना कर लेंगे, यानी कि एबीसी के जैसा एक और त्रिभुज बना लेंगे, इसको नाम दे दिया डीई एफ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर यानी कुछ नाम उसमें दे देना है। तो रचना का दिखा हुआ त्रिभुज एबीसी के जैसा, ये त्रिभुज पहले वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी के जैसा एक अन्य त्रिभुज डीई एफ, एक अन्य त्रिभुज डीई एफ बनाया जिसमें कोण ई बराबर 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में यहाँ पर जो है 90 डिग्री है। एक अन्य त्रिभुज लिया है जिसमें क्या लिया है, कोण ई बराबर 90 डिग्री। हम देखें कौन सा नियम से जो होता है इसका जो कोण है इस त्रिभुज का जो है बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें चलेंगे पाइथागोरस जो प्रमेय होता है कि डी एफ स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। देखिए इसमें जो इसका कर्ण ऐसी है, इसमें कर्ण इसका क्या चीज है, डी एफ का कर्ण है। फिर इसमें क्या चीज लंब है, मान यहाँ पर थीटा बढ़ेगा तो ये लंब होगा, क्या होगा आधार। इसमें लंब क्या चीज है, डी एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, डी एफ का स्क्वायर बराबर ई डी ई प्लस ई एफ का स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण एक। अब चलेंगे यहां से त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डी एफ में, यानी दोनों त्रिभुज चलते हैं, दोनों का जो भुजा हम तुलना करते हैं। तो देखिए जब जो ए सी बराबर डी एफ, जो ये भुजा है जो अगर अथी दूसरा त्रिभुज लिया था इसमें क्या चीज था, बराबर था, यानी कि ए सी बराबर क्या चीज है, डी एफ। देखिए ए सी बराबर डी एफ, इसी भुजा के कर्ण बराबर है दोनों आपस में, क्या चीज है, बराबर है। दूसरा में है पहली त्रिभुज का जो आधार है बीसी है, इसमें भी आधार क्या चीज है, बीसी है। तो बीसी और इसमें क्या गया, ई एफ। तो बीसी बराबर ई एफ, कर्ण बराबर है, आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, लंब भी बराबर होगा। तो लंब इसमें क्या चीज है, ए बी, क्या है, लंब, क्या है, लंब 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 का क्या चीज है, यहाँ इसमें भी दोनों में क्या चीज है, बराबर है। देखिए यहाँ सभी भुजा बराबर है, इसका नियम होता है क्या होता है कि जब भुजा भुजा समरूपता से, यह लिखा होगा चीज एस 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 सर्वांग समता से क्या चीज है, त्रिभुज एक दूसरे से क्या चीज है, समरूप है, क्या चीज है, समरूप। आने के उसी का जैसा, तो जब उसका जो गुण मिलता है, जो भुजा मिलता है, तो जब क्या हो जाता है, भुजा समरूप हो जाता है, सर्वांगसम होता है।
समरूप में होता है कि वो भुजा का अनुपातिक होता है। ये क्या चीज है? सर्वांगसम। क्या है? सर्वांगसम है। तो इसलिए त्रिभुज डीई एफ, देखिए त्रिभुज डीई एफ क्या चीज है? सर्वांगसम त्रिभुज एबीसी। यानी कि एस एस का मतलब होता है साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा सर्वांग समता से। इसलिए क्या हो जाएगा? कौन? इसीलिए कौन ई बराबर कितना हो? 90 डिग्री। तो कौन बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब क्या चीज भुजा जो है आपस में है समान है तो कौन भी क्या हो जाएगा? समान। क्या हो जाएगा? समान। समरूप और सर्वांगसम का मतलब होता है कि समरूप में भुजा क्या होता है? अनुपातिक। और सर्वांगसम में भुजा क्या होता है? एक दूसरे के बराबर। जब भुजा बराबर तो कोण भी क्या होगा? बराबर। तो इसका ये रूल है, इसलिए क्या हो जाता है? यह सिद्ध हो जाता है। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, बहुत ही शॉर्ट भाषा में, और भी इसको लंबा कर बना सकता है ना। ये क्या चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। क्या है? विलोम। तो इसी वजह से एक और चीज बनाया गया है ना, जिसे किसी का जो है रूप मिलता रहता है, गुण रूप मिलता रहा है, उसी तरह से क्या त्रिभुज बनाया हुआ था। समझ आया किसी? दिक्कत हो गया? सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा है जिसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। देखिए मान लीजिए कि इसका कर्ण है ना, ऐसी कर्ण है, इसका वर्ग है, और दो भुजा है ए बी है, ए बी लिख देना है, और क्या चाहिए? बी सी है, बी सी। दो भुजाओं को वर्गों का योग है, इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग प्लस बी सी। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यानी कि देखिए, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा जो सम्मुख कोण, यानी सम्मुख में देखा जो होता है सामने वाला, ये भुजा है ना पहली भुजा, इसके सामने वाला ही कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये वाला कौन हो जाएगा? होगा इसके सामने वाला। अगर माना तीन भुजाओं का समूह थी, तो इसके सामने कौन होगा? ये वाला होगा। क्या होगा? कि पहली भुजा है, तो बोल रहा है पहली भुजा जो होता है जो समूह कौन, लेकिन आमने इसका सामने कौन हो जाएगा? समूह। क्या हो जाएगा? तो बी ए ना है, तो यहाँ मान लिया सिद्ध करना बी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करने के लिए मैं कर लिया है, रचना कर लिया है त्रिभुज ए बी सी के जैसे एक बना ले त्रिभुज का नाम क्या चीज है? डी ई एफ। तो करना हाँ, इसके में कहते हैं बराबर 90 डिग्री। हाँ, इसमें 90 डिग्री है। हमको सिद्ध करने बताना है, दो त्रिभुज लेकर सिद्ध कर सकते हैं हम, इसलिए डी एफ। यानी कि देखिए पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें डी एफ एक कर्ण है ना, डी एफ के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर प्लस क्या चीज होगा? आधार के स्क्वायर, यानी कि ई एफ का स्क्वायर। इसको समीकरण एक और दो है, देखिए दोनों में चलिएगा, दोनों में क्या चीज, दोनों में इसका गुण इसका गुण दोनों को मिल रहा है ना, क्योंकि कर्ण इसमें भी इसमें कर्ण है। इसे यहाँ डायरेक्ट ले लिया प्रमाण कि त्रिभुज एबीसी एम त्रिभुज डी एफ में चल दिए, जिसे देखिए यहाँ पर कर्ण था, देखिए कर्ण दोनों बराबर है, ये एसी बराबर डी एफ हो जाएगा। इसमें आधार क्या चीज है? एबी है। इसमें क्या चीज है? डी है। तो क्या चीज हो जाएगा? इसमें सॉरी लंब ना है, लंब तो लंब लंब बराबर हो जाएगा, होगा। फिर आधार बी सी है, फिर क्या चीज है? आधार इसमें क्या चीज है? डी एफ। देखिए डी एफ ना है, देखिए डी एफ जो इसी के अनुसार क्या होता है, इसी केस से क्या होता है, दोनों भुजा सब आपस में बराबर है। जब ये भुजा बराबर होता है तो क्या हो जाता है? त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है। क्या होता है? सर्वांगसम। आप इतना बनाते हो 5 मिनट कंफर्म हो जाएगा है ना। तो कौन ई बराबर कौन बी बराबर 90 डिग्री। जब कौन के ई के मान 90 है, ये तो भी नहीं होगा, तो कैसे होगा? क्योंकि भुजा भुजा समरूपता से है। देखिए एस 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 यानी कि सर्वांग समता इसको बोलते हैं, साइड साइड सर्वांगसम, भुजा भुजा समरूपता से। ये था पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, जय हिंद।